हेलो फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह है शॉमी का रेडमी 8A। आज दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस फोन का बैक पैनल उतारा जाता है और कैसे इस फोन की बैटरी को डिस्कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए करते हैं रेडमी 8A को डिसअसेंबल। मैं हूं डॉक्टर भुवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टेक यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक BCD Tech को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी YouTube ऐप पर सर्च करें BCD Tech और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों, इस फोन को डिसअसेंबल करने से पहले करना होगा इस फोन को बंद। पावर बटन पर टैप करते हैं, कर देते हैं इस फोन को ऑफ और जैसे ही फोन ऑफ हो जाए निकाल देते हैं इस फोन की सिम ट्रे को बाहर और उसके बाद इस फोन के बैक पैनल को सेपरेट करते हैं फ्रंट फ्रेम से, जो कि सेपरेट होगा यहाँ से। तो एक प्राइम टूल की हेल्प से मैं इस फोन के बैक पैनल को उतार देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले सेपरेशन क्रिएट करनी होगी और उसके बाद इस सेपरेशन को प्रोसीड करना होगा। तो यहां पर प्लास्टिक का बैक पैनल है तो इसी वजह से ये काफ़ी आसानी से सेपरेट हो जाएगा। तो यह है रेडमी 8A का बैक पैनल। इसमें कुछ एंटीनास हैं, ऊपर की साइड को वाईफाई ब्लूटूथ के और नीचे की साइड को 3G 4G के। इसके सिवाय आपको इस बैक पैनल पर कुछ नहीं मिलेगा। ये जो पैनल है ये प्लास्टिक का है, मतलब कि पॉलीकार्बोनेट का है। चलिए अब इसको साइड में रखते हैं, देखते हैं फ़ोन को। यहाँ पर फ़ोन में तीन सेक्शंस हैं, मदरबोर्ड, बैटरी और सब PBA। आइए दोस्तों सबसे पहले इस मदरबोर्ड को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर इसको सेपरेट करने के लिए मुझे इस कवर को, मतलब कि इस ब्रैकेट को उठाना होगा। तो यहाँ पर कुल मिला के हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्क्रूज। तो आइए इन 9 स्क्रूज को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 9 स्क्रूज को बाहर निकाल दिया है। आइए अब इस फ्रेम को उठाते हैं। तो यह है फ्रेम जिसके ऊपर आपको कैमरा लेंसेस मिल जाएंगे और साथ में एक जम्पर PCB है। इसके सिवाय इस फ्रेम पर कुछ नहीं है। आइए इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं फ़ोन को। तो यह है रेडमी 8A का मदरबोर्ड और यहाँ पर इस कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करके मैं इस फ़ोन की बैटरी को डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से रेडमी 8A की बैटरी को डिस्कनेक्ट किया जाता है। आइए दोस्तों अब इस फ़ोन की बैटरी को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ और कनेक्टर्स को डिस्कनेक्ट करना होगा, जैसे कि ये हो गया सब PBA बोर्ड के लिए कनेक्टर, ये हो गया LCD के कनेक्टर। और अगर मैं इन दोनों कनेक्टर्स को उठा दूं तो यहाँ पर मिल जाएगी इस फ़ोन की मेन बैटरी। तो यहाँ पर बैटरी का मॉडल आप पढ़ लीजिए, BN51 है और ये लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी है। चार्जिंग वोल्टेज 4.4 वोल्ट DC है। रेटेड कैपेसिटी है 4900 mAh की, जबकि टिपिकल है 5000 mAh की और नॉमिनल वोल्टेजेस आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो ये है शॉमी रेडमी 8A की बैटरी। अगर दोस्तों आपको इस फ़ोन की बैटरी को बाहर निकालना है तो यहाँ पर है एक पुल टैग, आप इसको खींचिए, इस बैटरी के नीचे की जो एडहेसिव है वो निकल आएगी और उसके बाद बैटरी काफ़ी आसानी से बाहर निकल आएगी। इसके बारे में मैं आपको अपनी आगे आने वाली वीडियो में, जिसमें मैं इस फ़ोन का फुल टियर डाउन करूँगा, उसमें बता दूंगा। दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे रेडमी 8A के बैक पैनल को उतारते हैं और कैसे इस फ़ोन की बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है इस वीडियो को लेके, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों मैं इस फोन की फुल डिसअसेंबली वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी हाजिर हो जाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको टैप करें ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो पाए। तो मैं अब इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।